हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ वन। टुडे वी हैव टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज बोर एटमिक मॉडल। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी ने लास्ट एटम मॉडल जो डिस्कस किया था वो था रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल। और आप सभी को यह भी याद होगा कि रदरफोर्ड के एटम मॉडल में कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें कि रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल फेल हो गया। और जब रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल फेल हुआ ना, तो कई सालों तक, उसके बाद कई सालों तक कोई एटमिक मॉडल नहीं आया। उस दौरान कई सारी डेवलपमेंट्स हुई और फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। नील बोर ने उन सभी डेवलपमेंट्स का यूज करके रदरफोर्ड के एटमिक मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमियां थी, उन सभी को दूर किया और एक नया एटमिक मॉडल लाए जिसका नाम है बोर एटमिक मॉडल। तो सर, आज हम लोग इसी एटमिक मॉडल के बारे में जानने वाले हैं कि बोर ने एटम के बारे में या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें बोली। तो चलिए सर, हम लोग जानते हैं उनके कुछ पोस्टुलेट। तो सर, पहला पोस्टुलेट तो ये था कि जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा किसने कहा सर? नील बोर ने। बताइए क्या इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो कहां प्रेजेंट करता है? वो लाई करता है एट द सेंटर ऑफ एटम। कहां बेटा? एटम के सेंटर में। सर बिल्कुल सही। और इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं, कौन से? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, लाइज इन इट। आया नहीं आया सर? बिल्कुल। मतलब पहला पॉइंट ये था कि एटम के सेंटर में, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा इनका कहना था। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। पर कहां रिवॉल्व करते रहते हैं? इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को, क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल या सेल नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान से देखिए, क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है इज रिवॉल्विंग, कहां रिवॉल्व करते हैं बेटा? इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड, क्या बेटा? इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। एक फिक्स, कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ हैं जिनमें वो क्या करते रहते हैं सर? रिवॉल्व करते रहते हैं, दीज सर्कुलर पाथ। और इन्हीं सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया बताइए? इन्हीं सर्कुलर पाथ को वो कहते हैं, आर कॉल्ड, क्या बेटा? ऑर्बिट्स, या फिर एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं मैंने, या फिर बेटा क्या बोल सकते हैं हम लोग, यानी बोल सकते हैं सेल्स। इसमें आपको दिख रही है वो ऑर्बिट सर? बिल्कुल, दो सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं आपको, एक तो ये वाला, या मैं इसे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब तो दिख रही है, अलग दिख रही है। तो इसमें आपको कितने सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं? ये एक सर्कुलर पाथ है और ये भी एक सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे दो सर्कुलर पाथ होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एटम के अंदर दो ही सर्कुलर पाथ होते हैं, सर बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं कुछ फिक्स गिने चुने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेल बोलते हैं। आया नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आया। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं एक ऑर्बिट में, वो जब तक उन ऑर्बिट में घूमेंगे तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। मतलब व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, देन इट्स एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं बोर।
मतलब कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में या इस ऑर्बिट में या और कई सारी ऑर्बिट्स में घूमेगा तब तक उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब एनर्जी वो लूज नहीं करेगा। रदरफोर्ड का मॉडल फेल किस लिए हुआ था? इसलिए तो फेल हुआ था क्योंकि उनका मैक्सवेल ने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो परमानेंट एनर्जी लूज कर रहा है तो वो गिर जाना चाहिए, पर बोर ने कहा जब तक वो इन ऑर्बिट में घूमेगा तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ना लूज करेगा ना गेन, उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। क्या रहती है सर? कॉन्स्टेंट रहती है। आया नहीं आया? मतलब कहने का मतलब इन ऑर्बिट्स को एक कमरा मान लो, जब तक आप उस कमरे में रहोगे तब तक आपकी एनर्जी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। ऐसा इनका कहना था। क्लियर है? चलिए चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। सर कौन से? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी एक तो न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है जो इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस के, जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट है। कहने का मतलब मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं और वो कैसे हैं? अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। वो कौन से फोर्स है सर? एक तो है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ है, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। ठीक है? और ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही लगता है। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल बाहर की तरफ लगता है। तो एक बात सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, इस वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? जीरो। अगर मुझे कोई दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचे तो सर क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, हम पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा, हम कहीं डिस्प्लेस नहीं होंगे। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो सर उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। क्लियर है? तो ये तीन पॉइंट समझ में आए बिल्कुल अच्छे से। पहला, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे इस बात को। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, कहां घूमता है इसका कोई आइडिया नहीं दिया था उन्होंने, पर बोर ने बोला, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या सेल्स बोलते हैं। तीसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमेगा उस पर एनर्जी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट, ना तो वो लूज करेगा ना गेन। चौथा, इलेक्ट्रॉन पे जब वो ऑर्बिट में घूमता है तो दो टाइप के फोर्स लगते हैं, वो दोनों टाइप के फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ एक न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो इस वजह से सर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो एनर्जी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। क्लियर है सर? बिल्कुल। तो सर और कोई पॉइंट है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक आइडिया नहीं पूछा कि सर ये खाली जगह क्या है, यहां कोई, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते क्या? यहां पर तो बहुत सारे सर्कल हम लोग बना सकते हैं। तो बस इसी चीज का आंसर दिया कि मान लो आपने अपने मन से पेंसिल से आपने ड्रॉ कर दिया, तो सर उन्होंने कहा कि मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ये हमें बता दिया, बोर ने बता दिया। तो हम लोग बोर से क्वेश्चन करें, आप ये बताओ कि इसमें क्यों नहीं घूमा, इसमें क्यों नहीं घूमा? तो बोर ने उस चीज का भी आंसर दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही क्यों घूमता है, यहां से लेके हम जाने कितनी ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें क्यों नहीं घूमता, एसी में क्यों घूम रहा है, इसी में क्यों घूम रहा है, इसके बीच में भी ड्रॉ कर दे तो उसमें क्यों नहीं घूम रहा है, इस बात का भी आंसर बोर ने दिया। उन्होंने बोला अगर आपको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज जिसका एंगुलर मोमेंटम, क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे अगर वो एच वाई टू पाई के मल्टीपल आया, इंटीग्रल मल्टीपल। कह रहे हैं जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालोगे अगर वो एच वाई टू पाई के मल्टीपल आया, ये उन्होंने अपने मन से लिया, इसका कोई प्रूफ नहीं था कि एच वाई टू पाई कहां से लाए, इसका बोर ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने इतना बोला कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालो इलेक्ट्रॉन का
अगर वो एंगुलर मोमेंटम एच बाई टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, मतलब इंटीग्रल मतलब एन की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी समथिंग होगी, ठीक, क्लियर है ना? तो फ्रैक्शन होगी ना ही नेगेटिव ना ही जीरो। तो कहने का मतलब है अगर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई आ रहा है किसी ऑर्बिट का, तो उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कहने का मतलब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने इस ऑर्बिट को, जरा ध्यान से इस ऑर्बिट को ग्रीन ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल हल्का हल्का तो ग्रीन दिख ही रहा होगा सर, बिल्कुल दिख रहा है। मतलब इसमें आपको कितनी ग्रीन ऑर्बिट दिख रही है? दो। तो इन्हीं दोनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पर इसमें, इस वाली ऑर्बिट में, इस वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम रहा, इस बात का आंसर। अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाले तो मान लो इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 1.5 h/2π। ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल है? नहीं है सर, क्योंकि 1.5 है। अगर यहीं पे 1 h/2π होता तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता। तो इस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम निकाला वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है h/2π का, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। जब इस ऑर्बिट का मान लो एंगुलर मोमेंटम निकाला, मान लो निकाला हमने, और वो आया 2 h/2π, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा। इसका निकाला गया, इस वाले ऑर्बिट का, तो आया 3.4 h/2π, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी घूमेगा नहीं। इसका निकाला तो इसका आ रहा 3 h/2π, तो इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है सर, बिल्कुल। तो बताइए क्या बोला, कि इलेक्ट्रॉन गिने चुने ऑर्बिट में घूमेगा। कौन से ऑर्बिट में? जिसका एंगुलर मोमेंटम निकालने पर h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल आए, क्लियर है सर? बिल्कुल। और n यहां पे क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल 1, 2, 3, 4, और n यहां पे रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट है। आ गया नहीं आ गया? क्लियर है सर? कितने पॉइंट पढ़ लिए? 5 पॉइंट। पांचों पॉइंट समझ में आए नहीं आए? बिल्कुल आए। एक बार सातों पॉइंट पढ़ लें, फिर एक एक करके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो दो पॉइंट सर और बचे हैं, चलिए हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा, कहां से कहां? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, या फिर लोअर ऑर्बिट बोल दो, या फिर सर लोअर एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हो। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। तो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब। सबसे पहली बात है, एनर्जी को वो क्यों एब्जॉर्ब करता है ये जानना है, और कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये भी जानना है। जरा ध्यान से देखिए, ये सर हमारी न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों ओर ही हमारी क्या है? ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, और सेल्स भी बोलते हैं। ये सर हमारी पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, और ये तीसरी ऑर्बिट है। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये सर्कुलर तो देख नहीं रही, बेटा हमने उसका आधा पार्ट बनाया, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, पूरा बना लो, अगर आपकी मन इच्छा हो तो पूरा बना सकते हो। इसकी एनर्जी बेटा E1 है, इसकी E2 है, और इसकी E3 है। इस बात का याद रखें, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास होती है उसकी एनर्जी कम होती है। ये आपको बाद में पता चल जाएगा, पर मैं बता दे रहा हूं कि E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3। मतलब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगी उसकी एनर्जी कम, जो थोड़ी दूर होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। जितनी ज्यादा ऑर्बिट कोई दूर होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है। आप सभी को पता है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो इसका मतलब है कि इस पे देखो इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहा होगा तो इसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी। बिल्कुल सर। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? जितनी इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। ऐसी जब इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए सर? बिल्कुल, क्योंकि ये एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जंप करना है, इसके लिए ये भी हायर ऑर्बिट है और ये भी, तो अगर इसको यहां पे जंप करना है या फिर यहां पे जंप करना है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी सर। कितनी? ये आप देख लो सर, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी E1 है, तो कितनी चाहिए होगी? E2 - E1 आप कर दोगे तो इन ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी गैप है वो कितना है सर? डेल्टा E, ये निकल आएगा। तो आपको पता चल गया इन ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप कितना है? डेल्टा E।
इतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए जिससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जंप कर जाए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि सर इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी चाहिए होती जितनी उन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का गैप हो। क्लियर है? अगर इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो वो जंप कर जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर। आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल। अब ये एनर्जी लेता कहां से? लाइट से। और लाइट किसके फॉर्म में आती है? सर फोटोन के फॉर्म में। तो ये फोटोन बेटा आ रहे हैं दौड़ते हुए। क्या आ रहे हैं? फोटोन दौड़ते हुए आ रहे हैं सर, ये आ रहे हैं। तो फोटोन जैसे ही आए फोटोन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे ही देखो बहुत सारे फोटोन आते हैं, अब इनमें से कौन से फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा? उन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर हो। बहुत ईमानदार होता है ये, ना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना कम, कहता है कि हम उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी एनर्जी डेल्टा ई के बराबर हो। जैसे ही वो फोटोन मिल जाता है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है अपनी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। क्यों एब्जॉर्ब करता है? अगर ऊपर जाना हो एनर्जी चाहिए हो तो एनर्जी लेता है लाइट से जो फोटोन के फॉर्म में आ रही होती है, और उतनी ही एनर्जी का फोटोन ये एब्जॉर्ब करता है जितनी इसे चाहिए होती है। कहने का मतलब है कि अगर पिकनिक में जाने के लिए इसे 50 जूल की एनर्जी चाहिए तो 50 जूल ही एब्जॉर्ब करेगा। पर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। मान लो इंसानों, मान लो आपको ही अगर पिकनिक जाना हो और पिकनिक में जाने के लिए मान लो 1000 रुपए लग रहे हो और घर वाले अगर आपको 2000 रुपए दे तो आप क्या 1000 लौटा दोगे? सर बिल्कुल नहीं, हम तो रख लेंगे खुशी से। पर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा डिसिप्लिन आदमी होता है। वो तो कहता है कि आदमी नहीं मतलब पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जितनी हमें जरूरत है, और वो कितनी जरूरत होती है? डेल्टा ई के इक्वल। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन जब भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है तो वो डेल्टा ई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर हायर ऑर्बिट तक चला जाता है। एक बात और, जब वो हायर ऑर्बिट जाता है तो कुछ समय के लिए रुकता है। कितने समय के लिए? 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रुकता है सर, 10^-8 सेकंड के लिए रुकता है और तुरंत वापस आ जाता है अपने घर पे, मतलब अपनी लोअर ऑर्बिट में। और सर जब वापस आता है तब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। तो हम लोग कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन, लास्ट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो क्या होता है सर? तो सर ये एनर्जी को इमिट करेगा, देन इट इमिट एनर्जी, या एनर्जी को क्या कहते हो, लूज करेगा। किसके फॉर्म में? सर फोटोन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब किसके फॉर्म में की थी? फोटोन के फॉर्म में। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आया। बिल्कुल कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया और जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और कितनी एनर्जी एमिट करेगा? जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी जाते समय। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था जाने के लिए, वही फोटोन को उसने एमिट कर दिया जब वो वापस आया। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो बोर का एटम मॉडल इसी के साथ क्या होता है? फिनिश होता है। अभी तो एप्लीकेशन पढ़नी है, पर जो उनके पोस्टुलेट है वो फिनिश होते हैं। सर कितने पोस्टुलेट पढ़े हम लोगों ने? 7। आपको समझ में आए? एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं सर। क्या पहली बात उन्होंने बोली थी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर 2 पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्लियर है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में। और उन फिक्स सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल या सेल बोला गया। और एक बात, जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमेंगे तब तक उसकी एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, इस बात का भी आंसर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस पर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, एक तो न्यूक्लियस की तरफ और एक बाहर की तरफ। न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0। इस वजह से एनर्जी भी क्या रहती है? कांस्टेंट। जब तक वो उस ऑर्बिट में रहेगा, रिवॉल्व करेगा, तब तक उसकी एनर्जी ना ही तो लूज होगी और ना ही वो गेन करेगा, कांस्टेंट रहेगी। फिर पढ़ा हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन क्या सभी ऑर्बिट में घूम सकता है, मतलब कोई भी अपने मन से ड्रॉ कर दो किसी में भी? नहीं।
किसी भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? एंगुलर मोमेंटम को निकाल के। जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है सर? बिल्कुल। और सर सिक्स पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है? जितनी दो ऑर्बिट के बीच के एनर्जी का गैप हो, क्लियर है, उतनी ही एनर्जी का वो फोटोन एब्सॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है। क्लियर है? और जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, कितनी? जितनी उसने एब्सॉर्ब की थी। एब्सॉर्ब किसके फॉर्म में की थी? फोटोन के फॉर्म में। और जब इमिट करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं सर। बताइए क्या, जरा ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे देख सकते सर। वो मेन पॉइंट ये है कि ये जो मॉडल है ना, बोर एटम मॉडल, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आप बच्चे सोच रहे हैं सर ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए, डिटेल में जान लेंगे हम लोग। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है बेटा ऐसी स्पीसीज जिनपे एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड स्पीसीज मतलब एटम मॉलिक्यूल या आइंस। क्लियर? एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है मतलब तो इसके लिए तो बोर मॉडल की जो पोस्टुलेट है वो वैलिड है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? दो, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। पर अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके लिए भी हीलियम आयन के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए तो वैलिड नहीं है। पर अगर हम इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर? एक, तो इसके लिए वैलिड है। बेरिलियम में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए वैलिड नहीं है। अगर तीन निकाल दें तो इसके लिए वैलिड है। तो ऐसी स्पीसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए बोर का एटमिक मॉडल वैलिड होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो एक बात बताइए सर, बताइए क्या क्या कि ये न्यूक्लियस है। अब वो अगर स्पीसीज में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा? न्यूक्लियस के पास। और ये जो पहली और जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सारी की सारी ये क्या होंगी? एक्साइटेड स्टेट। इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी? वन। इसके लिए एन की वैल्यू टू, एन थ्री, एन की वैल्यू फोर फाइव, या फिर इन्हें हम के सेल, एल सेल, एम सेल, एन ओ सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? एक बात याद रखना, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहली ऑर्बिट में है इस वजह से पहली ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। और बाकी सारी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है सर? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये है, और थर्ड ये है, और फोर्थ ये एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो वहां अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो कौन सी ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर मैं आपसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है तो मतलब ग्राउंड स्टेट ये, सेकंड एक्साइटेड कौन सी? थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। आगे नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो इन टर्मों को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर एटमिक मॉडल, जिसमें हम लोग मतलब जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट की मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम लोग रेडियस निकालेंगे जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसकी वेलोसिटी, एनर्जी, सारी चीजें हम लोग निकालने वाले हैं। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ बोर एटमिक मॉडल। चलिए सर अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसी के साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे।